नगर महापालिका निवडणुकीत समाजवादी पार्टीनं प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये 4 उमेदवार दिले असून ते चांगली कामगिरी करतील असा विश्वास पक्षाचे नेते आमदार अबू आझमी यांनी व्यक्त केलाय. यावेळी आझमी यांनी अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर टीका करीत MIM आणि भाजपाची मिली भगत असल्याचाही आरोप केला. हम 4 सीटें लड़ा रहे हैं यहां पर. देखिए और सब पढ़े लिखे कंट्री लड़ा रहे हैं. ऐसे लड़ने के लिए तो 20 लोग आए थे लेकिन ऐसे ही लड़ा के फायदा नहीं कुछ है. आसिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं. आसिफ ए वार्ड से, ए से, बी से समीना, टी से फरा उज़मा अयास पठान और डी से शम्स हाजी समीर खान, ये लड़ रहे हैं इलेक्शन. और इसमें से देखिए सब के सब पढ़े लिखे हैं. आसिफ जो है सिविल इंजीनियर है, समीना पढ़ी लिखी है, फरा टीचर हैं, शम्स खान जो हैं बीकॉम एमबीए कर रहे हैं, यानी सब क्वालिफाइड लोग हैं और हालात बहुत अच्छे हैं. यहाँ लड़ाई जो है शरीफों की और क्रिमिनलों की लड़ाई है. अब इनको राम मंदिर याद आ गया है. राम मंदिर देखिए, कोई भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाए ये कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं है, कभी कबूल नहीं है. और अगर राम मंदिर वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था तो तुलसीदास ने अपने उसमें तब कहीं नहीं लिखा है, कहीं इसका प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है. अगर कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो आएगा वो मंजूर होगा सबको. लेकिन उसके पहले ही रोज़ाना जाना अयोध्या जा रहे हैं और 5 दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा, ये एक डर का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है. और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि मोदी सरकार इस देश का नया संविधान लिखने की कोशिश कर रही है कि जो ये बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी MIM के लोग, ये सारी स्क्रिप्ट लिख के देती है बीजेपी. बीजेपी कहती है कि आप सीटें जीतो या मत जीतो लेकिन आप अपने उम्मीदवार खड़ा करके जाके भाषण हम जो कहते हैं वो दे दो, बस उससे क्या पोलराइजेशन होता है, ये हो रहा है. आज टेलीविज़न पर सुबह से शाम तक आप सब लोग टीवी पर यही कोशिश होती है 90% कि जो मुद्दा आए उसमें कहीं हिंदू और मुसलमान हो जाए. ये गलत है देश के लिए.